आधुनिक भारत के शिल्पकार, अखंडता के प्रतीक, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती की पूर्व संध्या पर पटेल जयंती कार्यक्रम समिति सीतापुर ने गुरु कृपा गेस्ट हाउस में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। आपको बता दें कि वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरुवार फाउंडेशन के सौजन्य से कार्यक्रम में आए अतिथियों को वल्लभ भाई पटेल का चित्र भेंट स्वरूप दिया गया। डॉक्टर जीडी सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद राजेश वर्मा द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया। कार्यक्रम का संचालन अरविंद सिंह मधुप द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि विधायक विश्वा निर्मल वर्मा, स्नातक एमएलसी अवनीश सिंह, क्षेत्रीय मंत्री नीरज वर्मा, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर आनंद वर्मा, हरीश पटेल, प्रभात अग्निहोत्री, अशोक कुमार वर्मा, आनंद वर्मा, बंटी अश्वनी, शिव सागर वर्मा, विवेक वर्मा व अन्य लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। इस अवसर पर सांसद राजेश वर्मा ने आई इंडिया से क्या कहा, आप भी सुनिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती की पूर्व संध्या पर आज ये कार्यक्रम हुआ है। हमारे साथ हमारे स्नातक क्षेत्र के एमएलसी अवनीश जी, बिस्वा के विधायक निर्मल वर्मा जी, पूर्वी महासंघ के अध्यक्ष श्री अनिल वर्मा जी, प्रदेश के हमारे तमाम लोग आए हैं और कार्यक्रम को हम लोगों ने अपने उद्बोधन के माध्यम से संदेश दिया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बताए हुए रास्ते पर सब लोग चलें और इस देश की अखंडता और एकता के लिए हम लोग एक दूसरे को प्रेरित करें। निकाय चुनाव तो बीजेपी 365 दिन चुनाव लड़ती है। निकाय चुनाव आएगा तो निकाय चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा आएगा विधानसभा लड़ेंगे, लोकसभा आएगा तो लोकसभा लड़ेंगे। हम लोग 365 दिन संगठन बनाते हैं, जब चुनाव घोषित हम लोग लड़ने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पूरी तैयारी है जब हो जाए। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।